सारण जिला स्थित परसा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम पद पर कार्यरत जया कुमारी राजवीर के पति डीडीटी छिड़काव कर्मी वीरेंद्र कुमार सिंह का हृदय गति रुकने से मौत हो गई। मृतक कर्मी नालंदा जिले का निवासी थे। गत कई वर्ष से जया कुमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत थी। साथ में पति रहा करते थे। पति भी डीडीटी छिड़काव कर्मी के रूप में काम करता था। घटना के उपरांत शव को पैतृक गांव ले गया गया। घटना को लेकर सीआईटी विनोद कुमार के नेतृत्व में शोक सभा का आयोजन किया गया। शोक सभा के उपरांत कर्मियों ने मृतक के आश्रितों को 4 लाख आपदा राशि मुहैया कराने तथा परिजन के एक सदस्य को डीडीटी कर्मी के पद पर नियुक्त करने की मांग किया। शोक सभा में ललित राय, रमेश सिंह, मैनेजर सिंह, इंद्र कुमार साह, मो इसराफिल अंसारी, मो राजू अंसारी, योगेंद्र राय, सुभाष राय, शंभू राय, धर्मेंद्र कुमार, परमेश्वर राय ने भाग लिया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमन कुमार, डॉक्टर सत्येंद्र सिंह, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह समेत स्वास्थ्य कर्मियों ने शोक संवेदना व्यक्त किया। डी एलिवेन टीवी के लिए छपरा से दीपक कुमार की रिपोर्ट। विज्ञापन 1992 में विज्ञापन निकालकर बहाली की गई थी और हमारे पूरे बिहार के खासकर सारण जिला के हमारे छिड़काव कर्मियों ने बेजाब्ता अपने सर्टिफिकेट से लेकर पूरा डॉक्यूमेंट्स देकर जमा किया था। बीच में इसकी लंबी लड़ाई हुई। सरकार ने कहा कि ठीक है पैनल बनवा लीजिए, पैनल बन जाता है तो हम सब लोगों की नियुक्ति कर देंगे। और ये आज हमारे वीरेंद्र कुमार सिंह जो 1992 से लेकर आज तक छिड़काव में कार्यरत रहे और ये हमारी सरकार की नाकामी के कारण, क्योंकि बीच में लालू यादव और 20 साल नीतीश कुमार ने मौसमी छिड़काव कर्मियों पर कभी नज़र नहीं डाला। आज संघर्ष करते करते उन्होंने कालाजार उन्मूलन किया। इस खिलाफ लड़ाई में लड़ते लड़ते हमारे साथी वीरेंद्र कुमार सिंह का निधन हो गया है। ऐसी दुख के घड़ी में हम सरकार से ये मांग करते हैं कि तमाम जो संविदा कर्मियों को जो सुविधा दी जाती है, तो निधन के बाद 4 लाख रुपए का जो मुआवजा मिलता है वो मुआवजा देने का हम इस शोक सभा के माध्यम से मांग करते हैं। और साथ ही उनके परिवार से छिड़काव कर्मी के पद पर नियुक्ति का हम डिमांड करते हैं और उनकी शहादत, उनकी कुर्बानी बाँव नहीं जाएगी। संघर्ष अब और उग्र होगा यदि सरकार 4 लाख रुपया नहीं देती है और हमारे छिड़काव कर्मियों को मानदेय सरकारी कर्मी घोषित नहीं करती है, तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने दिवंगत साथियों के प्रति हम लोग 1 मिनट का मौन रखकर शोक श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। चलिए।